आप आईएएस के दैनिक हिंदी संपादकीय विश्लेषण में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं तीन आर्टिकल, जिसमें से पहला आर्टिकल होगा कि जो भारत और अमेरिका के बीच जो कारोबारी माहौल है, जिसमें जो ट्रेड डेफिसिट या जो भी मतलब इनके व्यापार व्यापारिक मसले हैं, तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल डिस्कस करता है कि जिस तरह से अमेरिका के रुख भारत के व्यापार संबंध भी कुछ थोड़ा कड़े रुख रहे हैं, जिस तरह से GSP वगैरह को ख़त्म किया गया था, है ना। तो उसी तरह से ये आर्टिकल मतलब कि पूरे व्यापारिक उस पर ही फोकस करता है। तो इस आर्टिकल को हम लोग डिस्कस करेंगे। अपना नेक्स्ट आर्टिकल होगा कि जो है ये भारत और दुनिया को क्यों है गांधी की ज़रूरत, ये अपने प्रधानमंत्री जी के जो तो या मतलब कि मोदी जी द्वारा ही लिखा गया है, जो कि हमारे महात्मा गांधी के गांधी जी से संबंधित ये आर्टिकल है। तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, उनके मतलब गांधी जी के आदर्शों को और उनके दर्शन को किस प्रकार से मतलब उन्होंने मतलब कि वैश्विक दृष्टिकोण से उभारा है, किस प्रकार से मतलब कि विश्वाज उनके आदर्शों को उनके मूल्यों को एक प्रकार से उनसे उनको फॉलो कर रहा है, तो उससे संबंधित आर्टिकल यहाँ पास मतलब कि उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पास डिस्कस किया है, तो उसके बारे में हम यहाँ पास देखेंगे। और यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल जो होगा कि स्वच्छ भारत अभियान के सफलता से मतलब कि सफलता के तहत जैसे कि ये जो प्लास्टिक को सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करने की भी जो मुहिम उठाई गई, तो ये परमेश्वरन अय्यर जी का आर्टिकल है। तो ये भी आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से ये जन आंदोलन को इसको बनाया जाए, है ना। तो इसी संबंधित आर्टिकल है, हम चलते अपने आर्टिकल की तरफ ना। तो ये पहला आर्टिकल है कि भारत दुनिया को क्यों है गांधी की ज़रूरत, ये अपने प्रधानमंत्री जी का मतलब कि ये आर्टिकल है। तो इसमें जैसे कि उन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पास कोट किया है, यहाँ पास बताते हैं कि जब डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जो थे, जो जब मतलब कि 1959 में जब भारत आए, तो उन्होंने कहा कि दूसरे देशों में मैं एक पर्यटक की तरह जा रहा हूँ जा सकता हूँ, लेकिन भारत में मैं एक तीर्थयात्री हूँ, है ना। यानी कि उन्होंने कहा कि शायद अन्य बातों से बढ़कर के भारत ऐसी भूमि है, ऐसी भूमि नहीं जहाँ अहिंसक सामाजिक बदलाव की तकनीकें विकसित की गई हैं, जिन्हें मेरे लोगों ने अलाबामा के मोंटगोमेरी और अमेरिका के पूरे दक्षिण में आजमाया है। हमने उन्हें प्रभावी पाया है, वे काम करते हैं। यानी कि जो गांधी जी का अहिंसात्मक अहिंसा का जो दर्शन था, या अहिंसा का जो उन्होंने हथियार जिस पे पूरे उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन लड़े थे, तो वो जो उनका अहिंसा का हथियार है, तो उसको भी उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित यहाँ पास किंग जूनियर यहाँ पास दिखते हैं। तो उसी मतलब कि ये उनके कथन से स्पष्ट भी होता है। वहीं जैसे कि आज मतलब कि भारत गांधी जी की 150वीं जयंती भी है यहाँ पास बहुत ही मतलब कि मना रहा है। तो वहीं विश्वभर में जो है तो एक प्रकार से गांधी जी आज एक प्रेरणा के स्रोत के तौर पे हैं, है ना। उनके आदर्शों को विश्व समुदाय आज एक प्रकार से स्वीकार भी करता है, उनको एक प्रकार से उनका अनुगामी बनने का भी प्रयास करता है। तो यदि हम देखें कि गांधीवादी जो तरीके हैं, तो उससे जो है तो मतलब कि एक प्रकार से जो उनका अहिंसा का अहिंसा रूपी जो कोई प्रतिरोध करते तो अहिंसात्मक ढंग से उनका होता था, तो उसको आज जो है तो कई अफ्रीकी देशों में उससे कई ज़्यादा एक उम्मीद जगी थी, है ना। जैसे डॉक्टर किंग ने यह भी कहा कि जब मैं पश्चिम अफ्रीका में घाना गया, तो प्रधानमंत्री नक्रुमाह ने मुझसे कहा कि उन्होंने गांधी जी के काम के बारे में पढ़ा है और महसूस किया कि अहिंसक प्रतिरोध का वहाँ विस्तार किया जा सकता है। यानी कि किस प्रकार से गांधी जी का जो अहिंसा का हथियार था, किस प्रकार से यहाँ पास कारगर हुआ, और दक्षिण अफ्रीका में भी इसको गांधी जी ने मतलब कितना बेहतर तरीके से इसको एक प्रकार से बायकॉट की जो नीति उनकी थी तो कितना कारगर रही थी, तो उससे मतलब कि बहुत ज़्यादा अफ्रीकी देश काफ़ी प्रभावित हुए। वहीं नेल्सन मंडेला की भी बात करें, तो वो तो गांधी जी को पवित्र योद्धा की संज्ञा ही देते हैं, और उन्होंने भी लिखा है कि असहयोग की जो उनकी रणनीति थी, उनका इस बात पर जोर देना कि हम किसी का प्रभुत्व तभी चलेगा हम पर, यानी कि हम पर किसी का प्रभुत्व तभी चलेगा जब हम यानी हमें अधीन रखने वाले से सहयोग करेंगे, है ना। तो यदि यानी कि जो गांधी जी का असहयोग का जो असहयोग वाला हथियार था, अहिंसा वाला है, तो उससे कितना ज़्यादा मतलब कि यहाँ पास उसकी प्रभावशीलता कितनी ज़्यादा कारगर रही, तो इस चीज़ को यहाँ पास भी देखा जाता है। वहीं उनके जो अहिंसक प्रतिरोध जो थे, आज कई उपनिवेश और नस्लवाद विरोधी आंदोलनों को एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रेरित कर रहे हैं, है ना। मंडेला के लिए तो गांधी भारतीय और दक्षिण अफ्रीकी थे, मतलब कि उन्होंने उनका जो अंतर्राष्ट्रीयतावाद की उनकी
अवधारणा के तहत जो तो मंडेला जी तो वहाँ पास जो है तो गांधी जी को भारतीय, वहाँ दक्षिण अफ्रीका में गांधी रहे भी तो वहाँ पास उनको एक दक्षिण अफ्रीका के तौर पे भी देखते हैं, है ना। इस प्रकार से वहीं जो 1925 में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा था कि किसी व्यक्ति के लिए राष्ट्रवादी हुए बगैर अंतर्राष्ट्रीयवादी होना असंभव है ना। तो यानी कि अंतर्राष्ट्रीयवादी तभी संभव हो सकता है जब राष्ट्रवाद एक तथ्य बन जाता है ना। बिना राष्ट्रवाद के, बिना यानी कि हम अपने राष्ट्रवाद हुए अंतर्राष्ट्रीयतावाद संभव नहीं है ना, ये गांधी जी के हिसाब से। वहीं यानी कि जब अलग अलग देशों के लोग संगठित होते हैं और फिर मिलकर के एक साथ काम करते हैं, है ना, और उसमें यथोचित सफलता भी हासिल करते हैं, तो उन्होंने मतलब कि भारतीय राष्ट्रवाद की इस रूप में ही कल्पना की थी ना, कि एक प्रकार से एकजुटता की, समरसता की, समन्वयता की भावना लोगों में हो, तो इस प्रकार से राष्ट्रवाद की जो भावना होती है और भी ज़्यादा प्रबल होती है और भी ज़्यादा प्रगाढ़ होती है ना, तो जिससे तभी जाकर के पूरी मानवता की एक प्रकार से सेवा होती है ना। और महात्मा गांधी जो है तो एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा हर वर्ग के लिए एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा के स्रोत भी रहे हैं। 1917 में जब गांधी इसे अहमदाबाद मिल के जो हड़ताल हुई थी उसमें भी काफ़ी कितना अच्छा मतलब एक प्रकार से मध्यस्थता की भूमिका उन्होंने बेहतर तरीके से दोनों पक्षों को संतुलित ढंग से यानी कि वहाँ पास जो है तो मजदूरों का निवारण भी किया था ना। वहीं गांधी जी ने श्रमिकों के अधिकारों के लिए भी बहुत ज़्यादा मजदूर महाजन संघ की गठन किया था, जो कि उस समय जो महाजन शब्द होता था वो श्रेष्ठी वर्ग के लिए आदर के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो वही जो है तो महाजन के साथ मजदूरों को जोड़ देना यानी कि मजदूरों की गरिमा को भी उन्होंने किस प्रकार से बढ़ाने का प्रयास किया, तो उससे किस प्रकार से जो उनके समाज एक प्रकार से हर वर्ग को किस प्रकार से वो एक प्रकार प्रोत्साहित करने का काम करते थे, है ना। तो साथ ही साथ देखा जाए कि उनकी जो गांधी जी ने जैसे चरखा और खादी जो है तो उनकी राष्ट्र को एक आत्मनिर्भरता बनाने के प्रतीक के तौर पर भी देखा जाता है कि वो लोग आत्मनिर्भर हों और आर्थिक सशक्तिकरण के तौर पर भी सशक्त हों, है ना। तो वो जो उनका चरखा और प्रतीक है तो उसको आज के संदर्भ में भी देखा जाता है किस प्रकार से हमारी मतलब कि सरकार भी खादी को किस प्रकार से ज़्यादा प्रमोट कर रही है, तो ये उसी से मतलब कि प्रेरित होकर माना जा सकता है। वही 1930 की जो दांडी यात्रा है उसके माध्यम से भी गांधी जी ने नमक कानून को किस प्रकार से चुनौती दी थी, तो वो भी एक प्रकार से ऐतिहासिक सविनय अवज्ञा आंदोलन ही शुरू हो गया था उस समय, है ना। तो आज जो है जनता की व्यापक भागीदारी जो है तो गांधीवादी संघर्ष या उनसे प्रेरित संघर्षों को उनसे अलग करती है ना। तो जो यदि उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सशक्तिकरण में बहुत ही ज़्यादा मतलब कि गांधीवाद की जो राजनीतिक स्वतंत्रता और सशक्तिकरण है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा गहरा संबंध देखा जाता है। उन्होंने ऐसी दुनिया की कल्पना की थी कि जिसमें हर नागरिक के लिए गरिमा और समृद्धि हो, है ना। गांधी जो है तो वो अधिकारों की बजाय कर्तव्यों पर ज़्यादा जोर देते थे, जहाँ पूरा मतलब कि वैश्विक समुदाय अधिकारों पे मतलब ज़्यादा लोग बात करते थे, लेकिन गांधी जो थे तो गांधी जो अधिकारों के बजाय कर्तव्यों पर ज़्यादा बल देते थे। और उन्होंने इस बारे में यंग इंडिया में लिखा भी कि कर्तव्य ही अधिकारों का सच्चा स्रोत है ना। यदि हम सब अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें तो अधिकार ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे ना। यदि हम कर्तव्य को भली भांति अच्छे ढंग से करते रहें तो अधिकार निश्चित तौर पर हमें प्राप्त हो जाएंगे। और हरिजन पत्रिका में उन्होंने लिखा कि जो अपने कर्तव्यों को व्यवस्थित ढंग से अंजाम देता है उसे अधिकार अपने आप मिल जाते हैं ना, यानी कि कर्तव्यों पर फोकस करने पर अधिकार स्वतः ही हासिल हो जाते हैं। वहीं गांधी जी ने जो आज हम सतत विकास की अवधारणा पे जोर दे रहे हैं, वहीं जो गांधी जी ने मानवता में भरोसा रखकर एक प्रकार से वैश्विक और टिकाऊ विकास को भी आगे बढ़ाने के लिए प्रयास रहते हैं। वहीं आर्थिक स्वावलंबन सुनिश्चित करने के लिए गांधी जी ने हर समस्या को भी एक प्रकार से समाधान के तौर पर यहाँ पास उनकी दर्शन में देखा जा सकता है। वहीं जैसे कि गरीबी मिटाने की बात की जाए तो भारत जो है तो आज सबसे तीव्रता के साथ इसको कम करने में भी अग्रणी देश को संज्ञा में भारत को भी देखा जाता है। तो इन्हीं से प्रेरित जो गांधी जी के विचारों से दर्शन से प्रभावित होकर भी आज मतलब कि यदि इसी दिशा में देखा जाए तो हमारा जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है तो ये भी अच्छे ऊर्जा के दिशा पर काफ़ी ज़्यादा यानी कि वैश्विक समुदायों को एकजुट करने का प्रयास कर रहा है, जो कि हमारी वैश्विक और इस सतत दुनिया सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करने में बिल्कुल एक प्रकार से सहायक ही होगा, है ना। वहीं जो है तो वैश्विक समुदाय को एक साथ एकजुट करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यही गांधी जी को एक प्रकार से यदि सच्ची श्रद्धांजलि की पेशकश की बात उन्होंने मतलब कि यहाँ पर जो राइटर मोदी जी हैं तो उन्होंने गांधी जी को एक श्रद्धांजलि के तौर पे एक बात उन्होंने व्यक्त किया है
कि आइंस्टीन चैलेंज की बात की उन्होंने की, है ना। आइंस्टीन चैलेंज कुछ इस प्रकार से है कि जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने गांधी जी के बारे में कहा था कि आने वाली पीढ़ियां मुश्किल से ही विश्वास करेंगे कि हाड़ और मांस का ऐसा जीता जागता ऐसा कोई व्यक्ति जो है धरती पर रहा हुआ था, है ना, या रहा होगा, है ना। इस तरह मतलब कि आइंस्टीन ने गांधी जी के बारे में जब कहा था, तो ये हम कैसे सुनिश्चित करेंगे कि गांधी जी के आदर्श भावी पीढ़ियों भाई जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं तो वो याद रख पाएंगी, है ना। तो जैसे यदि हम इनके राइटर के हिसाब से यहाँ पर जाते, मैं विचारकों, उद्यमियों और टेक्नोलॉजी लीडर्स को आमंत्रित करता हूँ, मतलब कि उन्होंने एक प्रकार से उसके इंटीग्रेट तरीके से उनके विचारों को, आदर्शों को एक प्रकार से पूरी तरह से लोगों को जन जन तक पहुँचाने के लिए मतलब कि एकजुट होने की बात वहाँ पास की है। वहीं जो हमारी दुनिया को एक समृद्ध बनाने और नफरत और तकलीफ़ों से मुक्त करने के लिए एकजुट होकर काम करने की बात पर ज़्यादा मतलब कि फोकस किया है। वहीं यदि इस तरह की मतलब कि सभी एकजुटता के साथ देश की वैश्विक समृद्धि की बात करेंगे तभी हम महात्मा गांधी के सपनों को पूरा कर पाएंगे, है ना। और यदि इसमें इसी के संदर्भ में ये देखा जा सकता है कि उनका जो प्रिय भजन जो वैष्णवजन तो जो कहा था, तो उसमें भी इसका तात्पर्य यही है कि सच्चा मानव वह है जो दूसरे के दर्द को महसूस कर सके और तकलीफ़ों को दूर करे और इसका उसे कभी अहंकार भी ना हो, तभी महात्मा गांधी के जो आदर्शों को या उनको जो है एक सच्ची श्रद्धांजलि के तौर पर माना जाएगा, है ना। इस आर्टिकल में इतना ही, चलते हम नेक्स्ट आर्टिकल पर। यह आर्टिकल है अमेरिका और भारत के साथ जो कारोबारी मसले हैं, तो उसमें से जो इस समय मतलब कि दोनों में देखा जा रहा है कि इस समय जो व्यापारी के जो तनाव है कुछ अमेरिका के, भारत जो स्पेशल स्टेटस कुछ दिया हुआ था भारत के लिए, तो उसको भी अमेरिका ने किस प्रकार से ख़त्म किया है ना, तो उससे संबंधित आर्टिकल यहाँ पास इस आर्टिकल में डिस्कस किया है कि जैसे अमेरिका के जो करीबी साझेदार भी हैं, तो अब राष्ट्रपति जो ट्रंप हैं तो वैसे भी उनका जो बैकग्राउंड ही है तो एक प्रकार से बिजनेसमैन का ही रहा, तो एक प्रकार से जो कोई भी चाहे करीबी हो या कोई कैसे भी व्यक्ति हो, आज चीन के साथ तो उनका काफ़ी लंबे समय से ट्रेड वार चल ही रहा है, लेकिन उनके जो काफ़ी करीबी के तौर पर भारत को भी ये देखा जाए कि उससे भी जो है तो व्यापार के मामले में वो कोई भी समझौता नहीं बरतते हैं, है ना। उनका जो शत्रुतापूर्ण व्यापार नीति है वो समझ सभी कदमों से कोई भी बच नहीं पाया है। यदि देखा जाए कि भारत को भी उन्होंने उच्च शुल्क दर जो है और सीमित बाज़ार पहुंच और कारोबार के माहौल के लिए लगभग एक प्रकार से बहुत ज़्यादा हर बार आलोचना ही करते रहते हैं, है ना। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं तो ये भी जैसे कि भारत ने हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल जो है तो इसमें इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, तो इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप कई बार उसके बारे में जिक्र भी करते रहते हैं कि भारत बहुत ज़्यादा इसके लिए वो बढ़ा रहा है ना। तो साथ ही साथ जबकि अमेरिका जो है तो उससे इससे ज़्यादा नीतिगत कदम उठाए हैं भारत के खिलाफ उसने, है ना। जैसे उसने GSP सिस्टम को भी भारत जो कि भारत के लिए स्पेशल कुछ वहाँ के बाज़ार के लिए जो हमारे जो गुड्स थे तो उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा प्रतिस्पर्धा का वो नहीं था और उनको ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती थी, तो वो आसानी से जो है तो उनकी पहुंच अच्छी थी और लोग मतलब कि ज़्यादा उनकी हमारे गुड्स जो थे तो आसानी से बाज़ारों में अमेरिका के बाज़ार में एक प्रकार प्रेफरेंस के तौर पे बिक जाते थे। लेकिन जो तो उन्होंने GSP सिस्टम भी अब ख़त्म कर दिया है, तो जिससे क्या है कि अब जो अन्य विकसित देश थे तो उनके साथ जो है तो भारत को जो गुड्स है तो उनकी ज़्यादा भारत के गुड्स को काफ़ी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, है ना। तो वहीं जो जैसे कि अभी अमेरिका ने स्टील एल्यूमिनियम की आयात पर भी 25 से 10% मतलब कि स्टील में 25% और एल्यूमिनियम 10% का ये शुल्क बढ़ा दिया था, तो वहीं भारत को भी इससे ज़्यादा मतलब कि भारत को भी रियायत इसमें नहीं दी गई थी, जबकि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को ये चीज़ मतलब कि ये फ्लेक्सिबिलिटी बरती गई थी अमेरिका के द्वारा। हालाँकि भारत ने भी इस व्यापार संगठन के समक्ष इस मामले में जो अमेरिका के खिलाफ जो है तो शिकायत दर्ज की थी, लेकिन जो वो जो WTO भी है तो उसको भी जो अमेरिका के उस पर है तो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में होने के कारण जो तो वहाँ पर जो कुछ अभी रिक्तियाँ पड़ी हुई हैं तो उसमें भी एक प्रकार से लचरता अमेरिका बरत रहा है। इससे क्या है कि वो संस्थान है तो एक प्रकार से कमज़ोर हो रहा है ना। तो ये भी इस यानी कि जिससे कि अब जो वहाँ पास भारत ने विरोध दर्ज कराया था तो उसको अब उसके निस्तारण की संभावनाएं बहुत ही कम पाई जाती हैं। इस प्रकार ये देखा है तो भारत ने लगभग लगभग जो है तो वहाँ पास जो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अपने बाज़ार को प्रोटेक्शन के लिए जो है तो अमेरिका के खिलाफ भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कदम उठाए हैं, जैसे कि 29 जिनसों के आयात पर भारत ने भी शुल्क बढ़ाए हैं, है ना, प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जाए तो। लेकिन ये जो तमाम नीतिगत निर्णयों का जो है तो भारत अमेरिका दोनों के द्विपक्षीय व्यापार पर भले ज़्यादा
असर दिख तो नहीं रहा, लेकिन जो इसके तात्कालिक जो व्यापारिक नुकसान है उसके रूप में अभी नहीं देखा जा सकता, लेकिन जो घरेलू उत्पादक हैं उनके समक्ष जो प्रतिस्पर्धा है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिल रही है ना, कि घरेलू उत्पादक उनको उनमें जो है तो बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। और वहीं भारतीय निर्यातक उनको भी जो पहले मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ है उसका भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे भी देश है जैसे कि बांग्लादेश वगैरह हैं तो उनको वहाँ पास अभी भी मतलब कि सुविधाएँ रियायत बढ़ती गई हैं, तो साथ ही निर्यात बाज़ार में उनकी जो हिस्सेदारी है उस पर भी बहुत ज़्यादा असर होगा, और उच्च शुल्क के कारण जो है तो कुछ जींस का कारोबार भी प्रभावित होगा। तो इस तरह से भारत के जो व्यापार है अमेरिका के साथ तो उससे कुछ ज़्यादा मतलब कि प्रभावित हो रहा है। अभी जहाँ तक कि भारत का जो व्यापार था तो अमेरिका के साथ सरप्लस था, है ना, लेकिन अब जो है तो जो अमेरिका की इस तरह की जो नीतिगत व्यापारिक नीतिगत जो कदम उठाए गए हैं तो उससे जो है तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि भारत के जो व्यापार काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है ना। और भारत अमेरिका जो है द्विपक्षीय कारोबार है तो उसमें हालांकि सकारात्मक वृद्धि देखने को तो मिली है, जो जैसे बात की जाए 2015-16 में तो उसमें हालांकि गिरावट आई थी, लेकिन 2016-17 में जो है तो दोनों में व्यापार जो है तो बढ़ा था, है ना। और साथ ही 2017-18 की बात करें तो जो भारत का कारोबार था 15% था, वहीं 18-19 में बढ़कर के 18% बढ़ गया था अमेरिका के साथ। लेकिन जो 18-19 में बात की जाए तो अमेरिका जो है तो भारत का जो अमेरिका है भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार बन गया है, है ना। तो दोनों देशों का जो कुल कारोबारी की बात यदि की जाए तो ये है लगभग लगभग 8700 करोड़ अमेरिकी डॉलर का रहा है। आयात में इतनी ज़्यादा वृद्धि हुई है, और यह 17-18 में जहाँ 19.29% था वो 18-19 में बढ़कर के 33.59% हो गया है, है ना। ये तो यानी कि जो निर्यात की बात की जाए तो आयात में तो वृद्धि हो गई है मतलब अमेरिका से, वहीं निर्यात में देखे तो निर्यात में भी वृद्धि, जैसे 2017-18 में निर्यात में वृद्धि 13.42% थी, वही अब 2018-19 में कम होकर के 9.46% हो गई है ना। यानी कि ट्रेड डेफिसिट की ओर जा रहा है, जहाँ पहले हम सरप्लस थे वहाँ पर ट्रेड डेफिसिट भी हो रहा है ना। तो ये यानी कि विपरीत नीतिगत ये बदलाव हैं। वहीं भारत के जो कुल कारोबार में अमेरिका की हिस्सेदारी है थोड़ी बढ़ करके 10.42% हो गई है, ये 10.42% भी हो गई है ना, कुछ बड़ी भी है। वहीं यदि वरीयता कम करने का असर भी इन चीज़ों पर देखा जा सकता है, जैसे कि रसायन है, प्लास्टिक मशीनरी, मैकेनिकल उपकरण है, इलेक्ट्रिकल उपकरण है ना, फोटोग्राफी, ऑप्टिकल, मेडिकल, सर्जिकल उपकरण, इन क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा इसकी ये जीएसपी का काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिला है ना। और साथ ही ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सबसे ज़्यादा जीएसपी की रियायत दी गई थी। तो ये तमाम क्षेत्र जो हैं देश के शीर्ष 20 निर्यात क्षेत्रों में भी आते हैं। तो अमेरिका भारत के लिए सबसे बड़ा, या कह सकते हैं कि अब दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बाज़ार भी है, है ना। तो यदि बात की जाए कि पिछले 2 वर्षों में तो भारत के जो कुल निर्यात है उसमें अमेरिकी बाज़ार की जो हिस्सेदारी की बात की जाए तो बिजली मशीनरी के जो 7% से यह मशीन और अन्य उपकरणों में लगभग 20% रही है ना। लेकिन रसायन के अलावा इन क्षेत्रों में अमेरिका कुल आयात में जो भारत की हिस्सेदारी थी बहुत ज़्यादा कम थी, और लगभग 1% से भी कम हो गई ना। तो रसायन में ये जो 4.6% है तो जीएसपी समाप्त होने के बाद चूँकि भारत निर्यात को बहुत ज़्यादा यानी कि MFN शुल्क का सामना करना पड़ रहा है, और भी ज़्यादा मतलब कि जो संपन्न विकसित देश हैं जैसे कि अमेरिका है ना के साथ जो जर्मनी, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया या अन्य देश हैं तो उनसे भी ज़्यादा उनके उससे काफ़ी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है ना। तो इससे ज़्यादा मतलब कि व्यापार प्रभावित हो रहा है भारत का अमेरिका के उससे। वहीं स्टील निर्यात में यदि बात की जाए कि 2018-19 में 34% की गिरावट देखने को मिली थी ना। और वहीं ऐसा अमेरिका द्वारा जो जब टैरिफ बढ़ा दिया था और आयात को भी कम कर दिया था तो इसलिए जो है तो जबकि भारत जो है तो अमेरिका को स्टील एक्सपोर्ट करता था है ना, तो इसलिए उसमें भी इस तरह की गिरावट देखने को मिली। वहीं जैसे कि हमारे जो कुल निर्यात में एल्यूमिनियम निर्यात की हिस्सेदारी जहां 2018-19 में 1.4% थी वो भी अब घटकर के लगभग 1.1% रह गई है, है ना। तो इसमें भी काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। तो हालांकि भारत ने भी प्रतिक्रियात्मक तौर पे काफ़ी ज़्यादा कदम उठाए, उसने भी इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया है, और अमेरिका निर्यात में लगभग जैसे कि अमेरिका बादाम, सेब वगैरह है ना, फास्फोरिक एसिड, लोहा गैर अली जो स्टील उत्पाद है तो उनमें उनकी जो हिस्सेदारी भी ज़्यादा अमेरिका की है। लेकिन अमेरिकी निर्यात में ज़बरदस्त हिस्सेदारी के साथ ये उत्पाद जो है तो भारत के कुल आयात के लिए महत्वपूर्ण भी तो हैं ना। तो
भारत ने भी हालांकि इनमें काफ़ी ज़्यादा उच्च शुल्क लगाए हैं, लेकिन उच्च शुल्क दर जो है तो भारतीय आयातकों को भी इससे नुकसान का सामना करना पड़ रहा है ना। जैसे कि इसके प्रतिक्रिया स्वरूप उठाए गए जो कदम है तो उससे कुछ खास हासिल नहीं हो पाया है। शायद इससे क्या है कि अमेरिका पर भी ज़्यादा कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है, इस नहीं तो वो जो है तो जिस तरह से कुछ मतलब कि दर्जा दिया गया था तो उस तरह उसमें कोई उसने दोबारा उसको ध्यान देने की कोशिश भी नहीं की इसी संदर्भ में। और ई कॉमर्स कृषि क्षेत्र में भी जो बड़ी हुई बाजार पहुंच है और ICT उत्पाद है उस पर भी अलग प्रकार से घटा हुआ शुल्क, डेयरी उत्पाद उसमें भी जो आधुनिकीकरण आदि से जो संबंधित अमेरिकी जो मांग है उसके कारण भी बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है भारतीय व्यापार को, है ना। वहीं जो कुछ चुनिंदा चिकित्सा उपकरणों की बात करें तो उनकी भी जो मूल्य को सीमा जो थी भारत के द्वारा सेट की गई थी तो उसको भी समाप्त करने की अमेरिका मतलब कि वकालत करता रहता है। हालांकि ऐसा कारण ये भारत के लिए नुकसानदायक हो क्योंकि भारत के लिए तो सस्ती स्वास्थ्य सेवा जो है तो भारत की एक प्राथमिकता पे है ना, तो जो भारत के लिए नकारात्मक कदम हो सकता है। हालांकि यदि हालिया यात्रा की बात भी कुछ इसके मतलब कि दोनों देशों जब यहाँ पास मोदी जी गए थे तो हालांकि कुछ आसार किए गए थे कि शायद कुछ सकारात्मक डील दोनों में हो, व्यापार संबंधित कुछ रियायतें हों, लेकिन ऐसे कुछ ज़्यादा परिणाम देखने को नहीं मिले, है ना। क्योंकि तो व्यापार नीति को राष्ट्रपति ट्रंप एक अहम बहुत ही ज़्यादा एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो ये निर्यात जैसे कि इसलिए इसको भारत के लिए बहुत ज़्यादा ये आसान इसको नहीं माना जा सकता कि कुछ ज़्यादा वो फ्लेक्सिबिलिटी बरतेंगे, है ना। और वहीं बादाम अखरोट सेब के आयात शुल्क के बदले कुछ जो प्रमुख निर्यात उत्पाद हैं उनको भी वापस वरीयता देने का जो अनुरोध है भारत का है तो इसके लिए थोड़ा सा एक प्रकार से ज़्यादा तर्कसंगत होगा। यहाँ पास राइटर के हिसाब से ऐसा सजेशन दिया गया है ना, तो इससे कुछ मतलब कि सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं यदि इस तरह के कदम उठाए जाएँ तो ना। तो इस आर्टिकल में इतना ही, चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये आर्टिकल है सफलता के सफर में मिल के नए पत्थर, ये परमेश्वर अय्यर जी का आर्टिकल है जो कि स्वच्छ भारत और ODF से रिलेटेड, जबकि भारत आज ODF फ्री पूरी तरह से हो चुका है ना। तो वहीं अब जैसे प्लास्टिक के लिए भारत जो अपने सिंगल यूज़ प्लास्टिक को भी बैन करने के लिए प्रयासरत है तो उसी संदर्भ में ये आर्टिकल डिस्कस करता है कि जैसे यहाँ पास अपने प्रधानमंत्री जी ने साबरमती नदी तट पर लगभग 20,000 स्वच्छाग्रही और सरपंचों के साथ मिलकर के गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ मनाया गया, तो उसमें जैसे कि इसी उसको मतलब कि जैसे 2 अक्टूबर 2014 को भी इसी मुहिम के तहत जैसे कि एक कैसे लोगों के व्यवहार में परिवर्तन संबंधित जो स्वच्छ भारत अभियान के आंदोलन शुरू हुए थे तो उसी के संदर्भ में है कि जैसे देश ने आज उसी के कह सकते हैं कि इसको लोगों ने बहुत ही मतलब कि जन आंदोलन के तौर पे लिया और आज भारत जो है तो पूरी तरह से ODF हो गया है ना, खुले में शौच मुक्त भारत हो गया है, जो कि एक कह से इतने बड़े विश्व स्तर पर बहुत मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक कदम इसको माना जा सकता है और जन सहयोग की बहुत ही बड़ी इसमें भागीदारी रही है ना। तो ये हालांकि ये जो वैश्विक स्तर पर ये एक प्रेरणा का स्रोत भी इसको कहा जा सकता है, आज जो है तो भारत के इस कदम को लगभग विश्व सराह भी रहा है और लोग कई लोग तो इसको मतलब कि प्रेरणा के तौर पे अपना भी रहे हैं इसको, है ना। वहीं जो है तो सामाजिक स्वास्थ्य संबंधी, आर्थिक और पर्यावरण संबंधी प्रभाव वाली जो चुनौतियों से निपटने के कई देश जो है तो इस दिशा में पहल भी करने लगे हैं, है ना। तो भारत में जो स्वच्छता का कवरेज जहाँ पहले 39% 2014 पहले था तो वही आज जो है तो बढ़कर के लगभग 95+ हो गया है। तो ये जो 5 वर्षों में लगभग इतना ज़्यादा देखा जाए तो देश के ग्रामीण इलाकों में 10 करोड़ से अधिक शौचालय बने, वहीं करीब 60 करोड़ लोगों ने खुले में शौच करना मतलब कि एक प्रकार से ODF हो गया, है ना। और वहीं कई राज्यों ने में भी इसमें काफ़ी सकारात्मक भूमिका निभाई, इसलिए ये चीज़ें मतलब कि इस प्रकार का ये जन आंदोलन और ये पूरी तरह से साकार हो सका है क्योंकि राजनीतिक इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका इस चीज़ को दी जा रही है कि जैसे कि ये जो इतना बड़ा जन आंदोलन बना स्वच्छ भारत तो इसके लिए जो राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा प्रबल थी, इसीलिए ये जो है तो और ज़्यादा प्रभावी ढंग से क्रियान्वित हो सका और सफल रहा। और इसके लिए तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एक कैसे जुटे रहे इसमें, वहीं जो है तो निजी और सार्वजनिक सहयोग से भी इसको काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बढ़ावा मिला, है ना। और जैसे कि पेयजल वित्तीय सहायता प्रदान उन्होंने मतलब कि काफ़ी ज़्यादा वित्तीय सहायता भी समय समय पर
की गई, जिससे कि इस दिशा में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कदम उठाए गए। वहीं जो गरीब परिवार थे तो उनको भी शौचालय निर्माण संबंधित सहायता अनुदान भी दिए गए काफ़ी मात्रा में। तो ये कार्यक्रम जो है सरकारी योजना से अधिक एक जन आंदोलन में इसी लिए तब्दील हो सका, क्योंकि उसको पूरी तरह से एक प्रकार से राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक पूरी तरह से उसका सहयोग प्राप्त हुआ। इसलिए लोग भी उससे काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हुए और लोगों ने उसको अपने व्यवहार में, है ना, व्यवहार में उन लोगों ने उसको लाया। तो देश के विभिन्न राज्यों जैसे जिलों, यहाँ तक कि गांवों में भी एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा का माहौल हो गया, है ना। और राजनीतिक नेतृत्व भी तो था, तो वो निचले स्तर तक एक प्रकार से काम कर रहा था। सभी लोग मिल करके उसमें एक प्रकार से इसको साकार करने में जुटे थे, है ना। तो साथ ही साथ जो है तो लोगों के पहले पूर्वाग्रह या धारणाएँ थे वो भी उसको भी तोड़ने का काम हुआ। और वहीं जो है तो ये एक प्रकार से जन आंदोलन में तब्दील हो गया। और वहीं जो साथ ही साथ इस चीज़ को, ये तो चीज़ ठीक है कि शौचालय का इस्तेमाल हो, लेकिन इसको एक प्रकार से नियम सतत इसको बनाए रखने के लिए, है ना, टिकाऊ प्रक्रिया होने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए गए। जैसे कि डबल टैंक वाले जो वो हैं तो उसका भी प्रयोग करना शुरू किया गया, है ना। वहीं जो स्वोपचारित शौचालय वगैरह उनके भी उपयोग को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। वहीं साथ ही साथ व्यवहार में बदलाव पर भी बहुत ज़्यादा, मतलब कि परिवर्तन लाने के लिए, मतलब कि सरकार के द्वारा निरंतर प्रयास जारी रखा गया ना। इससे जो है तो इससे गांवों में लोगों ने भी बहुत ज़्यादा प्रेरणा लिया। वहीं शौचालय वगैरह भी इससे काफ़ी ज़्यादा बन गए, है ना, इसी के संदर्भ में। और जो है तो साथ ही साथ इसके इस्तेमाल को भर लेकर के ज़्यादा, मतलब कि लोगों में चेतना का संचार हुआ। और जब ग्राम सभाओं में देखा जाए तो इसलिए आज 6 लाख गांवों ने अपने पूरी तरह से ODF मुक्त घोषित हो गए हैं। इसी के ये परिणाम माना जा सकता है। और अभी हाल ही के सर्वेक्षण से भी ये चीज़ पता चलती है कि जो शौचालय तक पहुंच रखने वाले लगभग लगभग 95% लोग भी से ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल भी करने लगे हैं। तो जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक भारत के लिए एक बहुत ही सकारात्मक खबर इसको माना जा सकता है ना। वहीं व्यवहार में आया जो इस प्रकार के परिवर्तन है, तो इसको काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि टिकाऊ और नए मानक तैयार करने में भी, मतलब कि बहुत ज़्यादा समय हालांकि लगा है, लेकिन इसके लिए जो मूलभूत संदेश पर भी लगभग लगभग बार बार उसको उस पर जोर दिया, है ना, जोर देना मतलब अब भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको निरंतर बनाए रखा जा सके इसी तरह की जो गतिविधियाँ हैं, तो है ना। तो इस दिशा में भी काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए गए। और वहीं जो है तो देश की लगभग 10 वर्षीय आगामी स्वच्छता नीति में भी खुले में शौच मुक्ति को एक प्रकार से निरंतर बनाए रखने की दिशा में भी काफ़ी ज़्यादा उसको प्रायोरिटी दी गई है ना, कि उसको निरंतर सतत बनाए रखा जाए किस प्रकार से, है ना। वहीं संवाद के सहारे भी खुले में शौच मुक्ति के लाभों से भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि अवगत कराया जाएगा। वहीं यदि कोई घर या परिवार या किसी कोई व्यक्ति यदि आर्थिक रूप से किसी भी स्तर से इस चीज़ों में स्वच्छता के मामले में पीछे छूट रहा है, तो उसके यहाँ भी शौचालय निर्माण की प्राथमिकता प्रदान करने की बातें भी, मतलब की गई है। राज्य को भी इस संदर्भ में भी कहा गया है। तो ये नीति जो है तो एक प्रकार से हर स्तर पर एक प्रकार क्षमता के विस्तार को फोकस करती है। वहीं वित्तीय सहायता के नए मॉडल को भी सामने ला रही है। तो देश के प्रत्येक गांव में ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन को भी काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन इससे मिला है। तो इस तरह जैसे कि प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन है, उसको भी ज़्यादा, मतलब कि उसके प्रबंधन को भी काफ़ी ज़्यादा महत्ता दी जा रही है। स्वच्छ भारत मिशन सहभागिता वाले जो विकास है, तो एक प्रकार से ये एक उदाहरण सा बन चुका है आज वैश्विक स्तर पर। यहाँ जो है तो सरकार पहल करती है और लोग भी उस कार्यक्रम को पूरी तरह से अपना लेते हैं। तो देश भर में लगभग करोड़ों लोग स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत लगभग प्लास्टिक कचरे के संग्रह के लिए भी, श्रमदान के लिए काफ़ी ज़्यादा इससे भी प्रेरित हो रहे हैं। वहीं इसका प्रयास भी है कि एक प्रयास लक्ष्य है कि जो प्लास्टिक से होने वाले जो प्रदूषण हैं उनको रोकने के लिए जो है तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको इस्तेमाल को पूरी तरह से बंद करना है। तो जो प्लास्टिक एकत्रित होगा तो उसे जो है तो उसका भी एक प्रकार से सही निस्तारण के लिए जो तो सड़क निर्माण में या अन्य इस्तेमाल करके उसको सुरक्षित ढंग से उसका निपटान किया जा सकता है। तो इस दिशा में काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि कदम उठाए जा रहे हैं। तो ये जो है तो राइटर, मतलब कि यहाँ पास जो पूरा एक प्रकार से जो विज़न है कि किस प्रकार से स्वच्छ भारत की दिशा में क्या क्या कदम किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, तो उस विज़न को पूरी तरह से ये, मतलब कि यहाँ पास राइटर ने रखा है। वहीं 2024 तक देश के सभी परिवारों को पाइप से पेयजल उपलब्ध कराने की भी यहाँ पास बात की गई है ना। तो एक प्रकार से जो है तो न्यूनतम संभव स्तर पर इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ पूरी तरह से इसको यहाँ पास किए जाने की बात यहाँ पास राइटर ने की है। साथ ही इस योजना
योजना में स्रोत की जो उपलब्धता है उससे लेकर के जलापूर्ति और उसके दोबारा उपयोग तक सारी बातें इसमें शामिल करने की बात की गई है। और जिस प्रकार जो देश स्वच्छता के मामले में इस प्रकार से नए मानक गढ़ने में तैयार हो रहा है, तो वैसे ही जैसे प्लास्टिक के कचरे प्रबंधन और जलापूर्ति को भी जन आंदोलन बनाने का लक्ष्य रहेगा ना, तो सरकार जिस तरह से यानी कि ODF वगैरह को और स्वच्छता को इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया, उसी प्रकार से सिंगल यूज प्लास्टिक की दिशा में भी सरकार ने काफ़ी ज़्यादा मतलब कि राष्ट्रीय स्तर पर मुहिम छेड़ी है, तो निश्चित तौर पर उसको जन आंदोलन बना करके इस दिशा में भी सरकार जो है तो एक अच्छा कदम और लोगों में एक प्रकार से एक इसके लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण आएगा और लोग जो है तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इस विज़न को मतलब कि प्राप्त करने के लिए सहयोगात्मक भूमिका अदा करेंगे ना। बस इस आर्टिकल में इतना ही, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।